जांजगीर चांपा जिला के मुड़पार गांव के किसान धान खरीदी की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों से मुलाकात के बाद आचार संहिता लगने का हवाला देकर नया केंद्र की स्वीकृति नहीं देने की बात कही गई, जिसके बाद किसानों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। किसानों के मुताबिक 3 साल से अलग अलग कलेक्टर से धान खरीदी खोले जाने की मांग के बाद भी उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और अब आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। पहले मैं तो सभी मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे आवाज को, हमारे समस्या को आप शासन की तरफ पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग चाह रहे हैं कि कनसदा मुड़पार सिंघुल का नवीन धान खरीदी केंद्र मुड़पार में खुलना चाहिए और इस मांग को लेकर हम लोग 3 वर्षों से चलते आ रहे हैं। सोसाइटी मंडी केंद्र खुलने के लिए यहाँ मांग 3-4 साल लगातार दौड़ कर रहे हैं हम लोग, तो आज तक सोसाइटी मंडी केंद्र के लिए हमें कोई जवाब नहीं मिला है, ना तो उसका कोई जानकारी रेख रूप नहीं मिलता है। हमारा कागज कहाँ गायब करके रख दिया है।